नमस्ते जी सभी को। आज हम जा रहे हैं शादी में एक मेरठ। गोपाल हाय कर रही है सबको। और किसके यहाँ शादी है ये मैं आपको बताती हूँ। जो कुलदीप जी हैं इनके बुआ के बेटे की शादी है, मतलब बुआ के पोते की शादी है, बिल्कुल सगी वाली बुआ के। तो हम देखो यहाँ होटल में पहुँच गए हैं। ये प्रतापपुर बाईपास पे होटल पड़ता है ब्रावरा। इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था यहाँ, सबके जो भी आ रहा था उनका फ़ोटो ले रहे थे इधर खड़ा करके। मैं पहले आई थी तो साहब आए बाद में, फिर हमारा फ़ोटो हुआ तब हम अंदर गए सब। अंदर जाने के बाद वो जो बारात को लेने आते हैं, मतलब खेत कहते हैं हमारे कि खेत लेने आए, तो वहाँ पे ये बेटा बैठा हुआ है। ये जो बेटे के साइड में बैठे हैं वो बुआ जी के बेटे हैं। ये रेड वाला जो कुर्ता पजामा पहन रखा है जिसने, ये भी उनका पोता है। एक पोता ये है जिसकी शादी है। और ये देखो ये होटल का व्यू है इधर। और ये अभय बना रहा है वीडियो। वो सब तो उधर बैठे थे, मैं अपने लिए कुछ लेने गई थी। वैसे तो सर्व कर रहे थे वो यहाँ पे भी, स्टार्टर जो था काफ़ी अच्छा था अरेंजमेंट, लेकिन मैं अपने लिए लेके आई हूँ दही बड़ा, खा लीजिए। और अभी मैंने फिर इधर ही कर दिया कैमरा। ये जो लड़के वालों की तरफ से बहू को गिफ्ट दिए गए साड़ियाँ चूड़ियाँ हैं गोल्ड की, और ये सेट है। और ये एक हमारे मिलने वाले दिख गए थे मेरे को, ये विजय भाई साहब हैं, उनकी मिसिज हैं, ये उनका बेटा और बहू। ये तो हैं ही पतिदेव जी। अब हम सब बैठ के डिनर कर रहे थे यहाँ पे। सीमित लोग थे, मतलब भीड़ भाड़ नहीं थी, और काफ़ी अच्छा व्यू था होटल का, अच्छा लगा वहाँ जाके। गए तो पहले भी हैं हम, लेकिन जब सब मिल जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये पायल बहुत ज़्यादा बदतमीज हो रही है। और फिर अब एक ड्रिंक लाया, बोला चीयर्स करो दोनों एक शाम परिवार के नाम। और हम डिनर करने के बाद सब चढ़त के लिए नीचे चले गए हैं, तो हम भी वहीं जा रहे हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं, बस जो होटल का बाहर से गेट है वहाँ से चढ़त करते हुए आएंगे। हालांकि हम तो चढ़त में थोड़ी देर शामिल होकर और फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। अभी 10:30 का टाइम हो रखा था और हमें वापस मोदीनगर भी आना था, तो इसलिए हम तो थोड़ी देर ही उसमें शामिल हो पाएंगे, इसलिए हम अब उधर ही जा रहे हैं। और वीडियो में मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी, मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं अपने चैनल के लिए, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, अभी उसके बिना चल नहीं रहा था काम वीडियो बनाने का। तो अभी देखते रहिए वीडियो में, एंड तक बने रहिए, तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या मंगवाया है चैनल के लिए। देखो ये दूल्हा बैठा है बग्गी पे। अभी हम ऐसे साइड वाले गेट से जाएंगे। 2-3 गेट थे एंट्री के इसमें, अभी पीछे वाले से जा रहे हैं। चलो थोड़ा सा नाचते हैं। और देखो अभी थोड़ा सा करने के बाद ही बोलेगा। ये बुआ जी के छोटे बेटे हैं, नहीं बीच वाले हैं, बस बस इतना हो गया। ये दूल्हा है, ये थोड़े से फोटो क्लिक किए जब नीचे उतर रहे थे, ये अभय पायल का फोटो है। बस यही था
मैं कहाँ गई थी, चलो आपके साथ शेयर करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा कैप्शन में डाल दिया। और अब देखिए कि ये क्या है जो मैंने मंगाया है, जो बहुत इम्पोर्टेंट हो रखा था। मेरे पास था वैसे पहले छोटा वाला, लेकिन ये ना वो थोड़ा सा खड़े हो गए, अगर वीडियो शूट करते हैं तो उसमें दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये बड़े वाला ऑर्डर किया था। जो मुझे रिसीव हुआ तो मैंने रख दिया था कि नई अनबॉक्सिंग की एक वीडियो बनाएंगे इसकी। ये ओसाका का है ट्राइपॉड, तो आप देखिए ये मतलब जैसा मैंने सोचा था उससे काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वीडियो में जैसा मैंने देखा और रियल में देख के काफ़ी अच्छा लगा कि भाई हाँ कुछ ऑर्डर किया तो कोई अच्छी चीज़ आई है। इसका लिंक मैं वीडियो में दे दूँगी नीचे। पहले जो मैंने मंगाया था वो थोड़ा हल्का है, वो ज़्यादा महंगा भी नहीं आया था, और ये तो ठीक ठाक रेट हैं इसके। ये मेरे को 2200 रुपये का मिला है, घर पर रिसीव हुआ है 2200 रुपये में, और जो पहले मंगाया था वो 400 कुछ का था। तो जैसे आप समझ सकते हैं रेट का डिफरेंस है, वैसे ही चीज़ में भी डिफरेंस है। जैसा गुड़ डालते हैं वैसा ही मीठा होता है, आप भी समझते हैं ये चीज़। तो ये है, अब तो आपको दिख ही गया है, ये मैंने मंगाया है ट्राईपॉड। देखो ये इस तरह, ये इसकी जो है सबसे छोटी हाइट है, इससे छोटा नहीं होगा ये, समथिंग 2 फीट के आसपास इसकी हाइट है जो सबसे छोटी है। और ये लंबाई इसकी हो जाती है समथिंग 6 फीट के आसपास हो जाती है। अभी पायल एक्सपेरिमेंट कर रही है इस पर, अब ये खोल के भी दिखाएंगे आपको। देखो अगर आपको, आपने किस चीज़ का ठान लिया है कि आपको ये करना है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी आपको इकट्ठा करनी पड़ती हैं। अब ऐसे ही मैं एक एक करके इकट्ठा करूँगी, हालांकि अभी मेरे पास कैमरा नहीं है बहुत अच्छे वाला, मैं अपने फ़ोन से ही शूट करती हूँ। एक वीडियो तो है मेरे पास वीडियो कैमरा, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से चलाना नहीं आता, तो इसलिए मैं इससे ही अपने फ़ोन से ही ज़्यादा अच्छे से कर पाती हूँ। लेकिन भविष्य में देखते हैं, जैसी नीड होगी वैसा ही चीज़ें भी आ जाएंगी। और देखो खोलने के बाद ये ट्राईपॉड कितना अच्छा, काफ़ी मजबूत है, समथिंग 2 से 3 किलो वेट है, काफ़ी मोटे पाइप हैं इसके। और आप देख सकते हैं हाइट इसकी, ये अभी भी पायल के लेवल तक है ये, और ऊंचा हो गया है। देखो पायल के लेवल से भी ऊंचा चला गया। अभी अगर हम इसके ऊपर कैमरा या फ़ोन रख के शूट करते हैं तो ये अबे की हाइट तक चला जाएगा। अबे की हाइट 6 फीट समथिंग 5 इंच है, तो उसकी हाइट तक ये चला जाएगा। और थोड़ा सा इसको अगर हम वो करेंगे, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, क्योंकि जो छोटे वाला मेरा ट्राईपॉड था उसको मुझे टेबल पर रख के शूट करना पड़ता था। तो देखो इसमें फ़ोन लगा दिया है, और इसका मूवमेंट देखो काफ़ी इजी है इसको मूव करना। पैसे तो गए हैं एक बार, पर एक अच्छी चीज़ आ गई है। देखो मैं ये कहूँ कि कुछ खर्चा नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये तो गलत है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। फिर पायल को डर था कभी मेरा फ़ोन निकल के गिर जाए, इसमें पायल का फ़ोन लगा रखा है, क्योंकि अपने से मैं वीडियो बना रही थी तो उसने नीचे हाथ रख रखा है कि मेरा फ़ोन गिर ना जाए कहीं। तो ये था ट्राईपॉड का व्यू, अनबॉक्सिंग की एक वीडियो आपके लिए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ट्राईपॉड का लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आपको चेक कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते सभी को।